फूलों की चादर जेके साहब ने भेजी है, उन्हें बेहद रंज है ऐसी जवान मौत का। ठहरिए, ये फूल सलीम साहब के जिस्म पर नहीं रखे जाएंगे, अभी उनकी लाश को दजला और फरात के मुकद्दस पानी से नहलाया गया है, इस पर मक्का मौजमा से लाया गया कफन चढ़ाया गया है, उस पर जेके के गुनाहों का कीचड़ नहीं रखा जा सकता। ये मौत मैंने इन आंखों से देखी है, अभी तक मैं खामोश था तो अपनी मौत के खौफ से, लेकिन अब मुझे सिर्फ खुदा का खौफ है, इसलिए मैं अपनी खामोशी पर लगे हुए कुफल को तोड़ता हूं। मैं बतलाता हूं कि सलीम साहब का कातिल कौन है। मैं बतलाता हूं कि सलीम साहब गोली किसके कहने पर चलाई थी तुमने? उसका नाम जबान पे आ गया, मेरी जान ले लेगा। जान तो मैं भी तुम्हारी ले लूंगा, लेकिन उसका नाम तुम्हें अपनी जबान पर लाना पड़ेगा। बोलो, बोलो। जेके से जाके कहो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव आए, उसकी गिरफ्तारी का वारंट लिखे। इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, रिश्वत के टुकड़े जो तुम्हारे सामने फेंके गए थे वो हजम नहीं हुए, या के हड्डी गले में पहुंचकर अटक गई है? तुम अपनी हड्डी पसलियां अच्छी तरह गिन के रखना जेके, कहीं हवालात के अंदर जाते हुए और हवालात से बाहर आते हुए तुम्हारी गिनती में फर्क न पड़ जाए। मैं तुम्हें क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद सलीम के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं, ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। और ये रहे तुम्हारे वारंट के टुकड़े, समेटो, उठाओ और चलते बनो। वारंट फाड़ देने से तुम्हारे जुर्म की किताब बंद नहीं हो जाती जेके, वो बंद होगी तो उस दिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी पर मौत का छाप लगा दिया जाएगा और किताब के आखिरी सफे पर लिख दिया जाएगा खत्म शत। अच्छा तो यही होगा कि बिना चीखे चिल्लाए तुम अपनी कलाई आगे कर दो ताकि मैं तुम्हें हथकड़ी बना सकूं। हथकड़ी पहनाने से पहले इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, तुम्हारी लाश पड़ी होगी हमारे कदमों में। आज अगर यहां लाशों का फर्श भी बिछ जाएगा ना जेके, तो मैं तुम्हें उस फर्श पे चला के घसीट के अपने थाने की हवाला तक ले जाऊंगा। ना कमान कमान जेके साहब, और हवालात में क्यों? इन हवालातों में गांधी जैसे महात्मा बंद हो सकते हैं तो जेके जैसा शैतान क्यों नहीं बंद हो सकता? आज मालूम पड़ा कि इस जगह का नाम शैतान चौक क्यों है। जेके कमाले, अरे यार ये मैं क्या देख रहा हूं हा? इतना बड़ा आदमी और मामूली मुजरिमों की तरह इंसलाखों के पीछे। ये जितना बड़ा आदमी है उतना ही बड़ा मुजरिम भी है, इसकी कोई भी चीज मामूली नहीं है। ये बात यही नहीं रुकेगी इंस्पेक्टर,
बहुत दूर तक जाएगी। हाँ भूल गए वो बैग जो तुम जेके के घर से उठाकर लाए थे और वो लिफाफा जो मैंने खुद तुम्हारे हाथों में समाया था। हाँ ऐसा कोई लिफाफा नहीं बचेगा माथुर साहब जो खोला नहीं जाएगा। नहीं खुलेगा तो इस हवालात का दरवाजा जिसके पीछे आपका दोस्त और मेरा कैदी बंद है। तो हम ऊपर तक जाएंगे। इस थाने का इंचार्ज कहाँ है? लीजिए आपके ऊपर वाले यहीं आ गए। आइए पटेक साहब आइए और देखिए आपके लोकराज में कैसा अंधेर मचा हुआ है। इस थाने का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज मैं हूं, नाम है विजय कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव? तुम जानते हो श्रीवास्तव, जेके जैसे शरीफ आदमी को खून के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करने के लिए मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता हूँ। पहले तो मैं आपको एक पुलिस अफसर की वर्दी पे हाथ डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। नए इल्जाम की बात, वो सच्चा है या झूठा उसका फैसला अदालत करेगी। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। आप इस बदनसीब देश के एक ऐसे नेता हैं जो कानून के हाथों को मजबूत करने के बजाय एक मुजरिम का साथ देने के लिए चल के आए इस पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर, तुम अपनी जवानी के जोश और अपनी जाती गुस्से की गर्मी की वजह से अपनी हैसियत भूल बैठे हो। मैं पूछता हूं, जेके साहब को महज एक शक के बिना पर खून जैसे संगीन जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हक तुम्हें किसने दिया? यह हक मुझे देश के कानून ने दिया है सर। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम अपने हाथों से जाके हवालात का दरवाजा खोलो और जेके साहब से माफी मांगो और उन्हें रिहा कर दो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं इनके जुर्म का, और सबूत है तो पेश करो। सबूत ये रहा कमिश्नर साहब, यह अखबार जिस पर मरने वाले का खून और खून करने वाले के हाथों के निशान मौजूद हैं। खून करने के बाद खूनी जब प्रेस से बाहर निकला तो वो इस अखबार से अपने लहू भरे हाथों को पोंछ रहा था। हाँ जेके, मैं अभी तक जिंदा हूं। कुदरत ने शायद मुझे इसीलिए बचा के रखा था कि तुम्हारे गले में फांसी का फंदा मेरे हाथों से पड़े। आपने जो बयान अभी मेरे सामने दिया है, कल अदालत के कटहरे में खड़े होकर उसे दोहरा सकेंगे? जी हाँ। तुम कुछ भी कर लो इंस्पेक्टर, ये औरत गवाही देने के लिए अदालत में नहीं पहुंचेगी, किसी हाल में नहीं पहुंचेगी, किसी कीमत पर नहीं पहुंचेगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगा जेके, ये औरत गवाही देने अदालत जरूर पहुंचेगी, हर हाल में पहुंचेगी, हर कीमत पर पहुंचेगी।